हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज फिर से एक नया सेट 25 क्वेश्चंस का बीपीएससी करंट अफेयर्स का। तो चलिए इसमें लगाते हैं सेट और आप अपने आप को आंक लीजिए कि इसमें कितने क्वेश्चंस आप या कितने स्कोर इसमें कर पाते हैं। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के चाक हाओ, ओके, चाक हाओ चावल, यानी कि इसे काला चावल भी कहा जाता है, को अप्रैल 2020 में GI टैग प्रदान किया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर का। तो इसे आप याद रखिएगा कि मणिपुर का काला चावल, ठीक है, जिसे कि चाक हाओ कहा जाता है। बिल्कुल एक एक करके अच्छे से ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको यहीं पे याद हो जाएगा। मणिपुर का जो काला चावल है जिसे चाक हाओ कहते हैं, इसे 2020 में GI टैग प्रदान किया गया है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI सेप्री रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। यहाँ पे पूछा गया था कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, तो ये भारत है। अगर प्रथम देश जो हो जाएगा सबसे पहले स्थान पे, वो है अमेरिका, दूसरे स्थान पे आता है चीन और तीसरे स्थान पर आता है भारत। और ये रिपोर्ट है 2019 की। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो केवल एक गलत है। एक में है कि यह रिपोर्ट यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है, यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये गलत है क्योंकि यह रिपोर्ट जो है रिपोर्टर्स विदाउट वर्ड्स नामक गैर सरकारी संगठन है, ये उसी के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान जो है नॉर्वे का है, तो ये बिल्कुल सही है। टोटल जो है 180 देशों में पहले स्थान पर नॉर्वे है, और 2019 में भी अगर देखा जाए तो 2019 में भी प्रथम स्थान पर नॉर्वे ही था। और फिर है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का 142वां स्थान है, ये भी बिल्कुल सही है कि इसमें भारत का स्थान 142वां है। और प्रथम स्थान पर नॉर्वे रख लीजिए, दूसरे स्थान पर है फिनलैंड और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। बिहार सरकार के मोबाइल पोर्टल उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय में कितने से कितने वर्ग के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ग 6 से लेकर के वर्ग 12 तक के बच्चों के लिए। जनवरी 2020 में भारत और ओमान के बीच निम्न में से किस नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नसीम अल बहर का। ओके, नसीम अल बहर का ये 12वां संस्करण आयोजित किया गया, और ये जो है किया गया गोवा के मोरमुगाओ तट पर। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के तहत सभी भारतीय गांव को कब तक ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2022 तक। 1 फरवरी 2020 को दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एकांकागुआ पर चढ़ने में सफलता प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की बालिका कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काम्या कार्तिकेयन। भारत में रहने वाली यह मात्र 12 साल की छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकांकागुआ पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। और ये एकांकागुआ जो है ये दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। केंद्र सरकार की बजट 2020-21 में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु कितने रुपए का आवंटन किया गया है?
आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 85,000 करोड़ रुपए का। बिहार के किस फसल को सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई। तो ऑप्शन ई दो वजह से होता है, जब तो आपके ऑप्शन में आंसर दिया गया है ही नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, या तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर दिया गया हो। तो यहाँ पे जो है ये बिहार को मक्का और गेहूं इन दोनों फसल के लिए कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार से जुड़े निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वशिष्ठ नारायण सिंह को। याद रखिएगा ये मरणोपरांत उन्हें दिया गया और पद्मश्री पुरस्कार दिया गया 2020 का। ये बहुत ही विख्यात गणितज्ञ भी थे। पद्म भूषण पुरस्कार 2020 का विजेता जो है सुश्री कृष्णमल जगन्नाथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक कार्य से इनका संबंध है। ये तमिलनाडु के हैं और इनका संबंध है सामाजिक सेवा। शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 50%। महिला वैश्विक विकास और समृद्धि WGDP हाल ही में खबरों में देखा गया था, यह किस देश की एक पहल है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका की। महिलाओं के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2019 में महिला वैश्विक विकास और समृद्धि पहल शुरू की गई थी। जुलाई 2020 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानव अधिकारों पर COVID-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु किसके अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर KS रेड्डी की अध्यक्षता में, और ये जो है ये पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। और ये जो है जुलाई 2020 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानव अधिकारों पर कोविड 19 के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु 11 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। अमेरिकी ओपन टेनिस पुरस्कार 2020 पुरुष एकल विजेता निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डोमिनिक थीम, और ये ऑस्ट्रिया के हैं। ये हो गए विजेता, और अगर उप विजेता पूछा जाएगा तो वो है एलेक्जेंडर ज्वेरिक जो कि जर्मनी के हैं। अमेरिकी ओपन टेनिस पुरस्कार 2020 में अगर महिला एकल विजेता पूछा जाए तो महिला एकल विजेता निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाओमी ओशाका। महिला एकल विजेता नाओमी ओशाका, और अगर उप विजेता पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टोरिया अजारेंका जो कि बेलारूस की है। नाओमी ओशाका ये जापान की है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 सितंबर को। मेरिएक लुकास रिजनेवेल्ड को निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग उपन्यास के लिए। और ये जो लेखिका है मेरिएक लुकास रिजनेवेल्ड, ये जो है नीदरलैंड की लेखिका है, और ये 29 वर्षीय जो है ये यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है।
और ये तो 2020 का हो गया, 2019 का भी याद रख लीजिए, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो 2019 में यह पुरस्कार दिया गया था ओमान की लेखिका जोखा अलहारती को, कौन से उपन्यास? तो सेलेस्टियल बॉडीज के लिए दिया गया था। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 के संदर्भ में विचार करें और बताइए कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल एक, दो और तीन सत्य हैं। कि इस सूचकांक को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, जिसे कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा जारी किया जाता है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं कि इस सूचकांक में प्रथम स्थान 66.08 अंकों के साथ स्विट्जरलैंड का रहा, ये भी सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 35.59 अंकों के साथ 48वां रहा, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। और इस सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान जो रहा 13.556 अंकों के साथ, वो डेनमार्क का रहा, तो यहाँ पे गलत है। ये अंक सही है, लेकिन अंतिम स्थान जो रहा वो यमन का रहा। फिर से देख लीजिए, प्रथम स्थान जो रहा वो स्विट्जरलैंड का रहा, द्वितीय स्थान पूछा जाएगा तो स्वीडन का, और तृतीय स्थान अमेरिका का। भारत का इसमें स्थान पूछा जाएगा तो ये 48वां रहा। और ये जो था, ये वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020, ये 13वां संस्करण था। राजनीतिक पुस्तक दस्तक देते रहेंगे किस राजनेता के भाषणों का संकलन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी की गई 2019 की रिपोर्ट में आत्महत्याओं के आंकड़े की सूची में कौन सा राज्य सबसे शीर्ष स्थान पर रहा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। दिसंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैड्रिड में, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो चिली सरकार के द्वारा की गई थी, क्योंकि चिली ने देश में आंतरिक कारणों के चलते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इस सम्मेलन में आयोजन में असमर्थता जताई थी। हालांकि यह सम्मेलन जो है सेंटियागो चिली में होना था, लेकिन ये हुआ कहाँ? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। मार्च 2020 में जारी पशु संरक्षण सूचकांक 2020 में भारत को किस प्रकार की श्रेणी में रखा गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी श्रेणी में रखा गया है। पशु कल्याण नीतियों एवं कानून के आधार पर ए जो है सबसे अच्छा, और जी सबसे खराब श्रेणी में रखा गया है। सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले देश, यानी कि जो कि श्रेणी ए में रखा गया है, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, स्वीडन तथा यूके को रखा गया है। और सबसे खराब प्रदर्शन यानी कि जी श्रेणी में अजरबैजान और ईरान को रखा गया है, जबकि भारत को सी श्रेणी में रखा गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतीक्षा नामक पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल में। ये जो है समुद्र में दुर्घटनाओं के दौरान मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए ये प्रतीक्षा जो है मतलब कि ये प्रतीक्षा नामक पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा आपका। आप चाहे तो स्कोर इसमें लिख भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।